कल ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था, कांग्रेस भाजपा एक है। फिर लगा कांग्रेस और भाजपा एक कैसे हो सकती है। एक पार्टी लगभग 60 साल से सत्ता पर थी और एक पिछले 6-7 साल से भारत पर राज कर रही है, फिर दोनों एक कैसे। बात तब समझ में आई जब खबर आई कि राजस्थान में जिला पंचायत चुनाव में डूंगरपुर सीट पर बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी को जीतता हुआ देख कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जितवाया, यानी कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन यहां देखने को मिला है। ये तो हुई वर्तमान की बात, अब देखते हैं इतिहास में कि क्या सच में कांग्रेस और भाजपा एक ही है। आइए जानते हैं। 1922 में कांग्रेस ने हिंदू महासभा बनाई और कांग्रेस के ही लोगों ने 1925 में आरएसएस बनाया, ऐसा कहा जाता है। और लेखकों ने भी ऐसा लिखा है कि आरएसएस को कांग्रेस ने ही इतिहास में संरक्षण दिया था, जो आज पूरी तरह से बीजेपी के रूप में देश के सत्ता पर स्थापित हो गई है, जो देश के संविधान के विरोध में जाकर काम करके बहुजन समाज को उसी दशा में पहुंचाने के लिए काम कर रहा है जहां बहुजन समाज संविधान लागू होने से पहले था, जब बहुजन समाज को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र रखने जैसे हजारों अधिकारों से वंचित रखा गया था। वही काम कांग्रेस और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत से वे कर रहे हैं, जिसका सबूत पूरे देश के सामने है कि कथित आजादी के 70 साल के बाद भी बहुजन समाज का वो हक और अधिकार आज तक नहीं मिल सका है जिसके लिए संविधान को लागू किया गया था, और ना ही समाज व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। संविधान तो समतावादी है, फिर भी आज भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता जैसी गंभीर बीमारियां जिंदा है। उसके लिए पूरी तरह से शासक वर्ग कांग्रेस और भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने संविधान का आज तक पालन नहीं किया। कांग्रेस ने अपने सबसे अधिक लंबे 57 वर्ष के शासनकाल में भारत में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। किसान, मजदूर, मेहनतकश, छोटा मोटा धंधा करने वाले लोगों को गरीब और बेरोजगार बनाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया, जिसमें भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये केवल दिखने के लिए अलग अलग है, लेकिन इनका मकसद एक है, भारत में बहुजन समाज यानी SC ST OBC अल्पसंख्यकों को गुलाम बनाकर उनके ऊपर राज करना। और ये तभी कर सकते हैं जब यहाँ के लोग समस्याग्रस्त हो, और इसीलिए वे स्वयं समस्याओं को निर्माण करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने के नाम पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कांग्रेस के दीनदयाल उपाध्याय ने ही 1951 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ का निर्माण किया था, एवं केशव बलिराम हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक थे, वे भी विदर्भ कांग्रेस के 1920 में सचिव थे, और उन्होंने ही 1925 में आरएसएस बनाई, यानी कांग्रेस के लोगों ने ही भाजपा और आरएसएस बनाई है। कांग्रेस और भाजपा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही पहले भी एक थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही मकसद के लिए काम कर रही है, ये दोनों एक ही है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।